हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर 2D में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 8 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 3% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 1.5% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 10%, 3 महीने में 29%, 6 महीने में 14% और 1 साल के अंदर 91% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 250 रुपीज। 250 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। अब स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 235 रुपीज। 235 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है, इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 236 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 300 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।